एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ और आज हम बात करेंगे फोर्ब्स के एक ट्वीट के बारे में। फोर्ब्स ने एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है फोर्ब्स, उसने एक ट्वीट किया कल 19 नवंबर को, और अपने इस ट्वीट में फोर्ब्स ने कहा कि एशिया की जो सबसे ज्यादा करप्ट कंट्रीज हैं उनमें भारत सबसे ऊपर है, यानी कि पहले स्थान पर है। अलग अलग टाइम पर फोर्ब्स इस तरह के सर्वे करता रहता है, और एशिया के अंदर जब उसने सर्वे किया तो ये पाया कि भारत सबसे करप्ट कंट्री है। और आपको याद होगा कि पिछले साल जब नवंबर के महीने में डीमोनेटाइजेशन किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसके बाद इस तरह के दावे किए गए थे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद तो करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब जब फोर्ब्स का ये सर्वे आया है, ये रिपोर्ट आई है, तो उसके बाद सवाल केंद्र सरकार पर जाहिर तौर पर उठेंगे और उठाने चाहिए। हालांकि पूरे देश के अंदर आज पद्मावती का जिक्र हो रहा है, जो मूवी आ रही है, और उसके ऊपर डिबेट्स भी हो रही हैं, लेकिन हम एक अलग विषय के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि डिबेट्स इसी तरह के इशू के ऊपर हो, गाय के ऊपर डिबेट हो, पद्मावती फिल्म चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए उसके ऊपर डिबेट हो, 5 करोड़ रुपए देंगे अगर कोई दीपिका पादुकोण का सर काट के लिए आएगा, इस तरह के बयान लोग देते हैं और फिर न्यूज चैनल्स उनके ऊपर डिबेट करते हैं। लेकिन हम एक सही टॉपिक के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं, सही टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, इसीलिए आपके सामने ये टॉपिक लेकर आए हैं। मैं आपको फोर्ब्स का वो ट्वीट दिखाऊंगा जिसे आप देखकर समझेंगे। ये वो फोर्ब्स का ट्वीट है जिसमें फोर्ब्स ने कहा है कि एशियाज मोस्ट करप्ट कंट्रीज। ये देखिए, ये फोर्ब्स का जो वेरिफाइड ट्विटर हैंडल है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही किसी ने ट्वीट किया है, ये वेरिफाइड हैंडल है फोर्ब्स का। उसमें लिखा है कि एशियाज मोस्ट करप्ट कंट्रीज, नंबर वन इज इंडिया, दूसरे नंबर पर है वियतनाम और तीसरे नंबर पर है थाईलैंड। अगर फोर्ब्स की ये डिटेल रिपोर्ट किसी को पढ़नी है तो इस लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप फोर्ब्स की वेबसाइट के ऊपर लैंड करेंगे और इसे डिटेल में पढ़ पाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, और उसमें बहुत बड़े बड़े वादे देश और दुनिया के सामने उन्होंने रखे थे, तो वो तस्वीर लगाई है फोर्ब्स ने। और ये लिखा है कि एशियाज मोस्ट करप्ट कंट्रीज में भारत नंबर वन है। इस ट्वीट की डेट आप देखिए 12:30 पर, ये कल यानी कि 19 नवंबर 2017 को कल ये ट्वीट हुआ है 12:30 पर, और ये ताजा बिल्कुल रिपोर्ट है फोर्ब्स की जिसमें फोर्ब्स ने भारत को सबसे करप्ट कंट्री माना है। तो आप सोच सकते हैं, और हम भी बड़े चिंतित हैं इस बात को लेकर कि जब डीमोनेटाइजेशन पिछले साल हुआ था तो ऐसा कहा गया था कि भारत से तो करप्शन एकदम खत्म हो जाएगा और भारत बहुत अच्छा एक देश होगा, बहुत अच्छी कंट्री बनेगा जिसमें सब काम आसानी से होंगे। डीमोनेटाइजेशन कैसे फेल हुआ और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा करप्शन के ऊपर, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने उठाना चाहूंगा। ये दो स्क्रीन आपके सामने है, एक में फोर्ब्स का वो ट्वीट है और एक में द वायर की एक स्टोरी है। मैं उस स्टोरी को आपके सामने दिखाना चाहूंगा जिसमें ये बताया गया कि डीमोनेटाइजेशन से पहले कितना पैसा एफडीज के तौर पर बैंक में आया। इस स्टोरी की डिटेल मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं, फिर वो स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगा द वायर की, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने किया था, शायद इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया था, बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी स्टोरी को किया था, इस खबर को किया था, तो उसको उस वक्त न्यूज चैनल्स में जगह नहीं मिली। जैसा कि हम लगातार ये बोलते रहते हैं कि न्यूज चैनल्स एक तरह से माउथपीस हो गए हैं गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के, या फिर कहें कि भारतीय जनता पार्टी के या मोदी जी के माउथपीस होकर बात करते हैं। जो मोदी जी के अगेंस्ट होता है उसे वो नहीं दिखाते हैं, जो जिससे मोदी जी को फायदा होता है उस चीज को वो लगातार आपके सामने पुट करते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया कि पद्मावती का आज बड़ा डिबेट हो रहा है, उसके ऊपर सभी चैनल्स पर चर्चा भी हो रही है, आप खबर भी पूरे दिन से देख रहे होंगे, तो उससे तो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल जो चाहते हैं कि इसके ऊपर डिबेट हो उनको पॉलिटिकल फायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि यहां पर मोदी जी को या बीजेपी को फायदा होगा, किसी को भी हो सकता है जो उस मुद्दे को ज्यादा रेज करता है और इस तरह के आलतू फालतू बयान देकर और घोषणाएं करके आपका ध्यान आकर्षित करता है, तो न्यूज चैनल्स उसी को दिखाते हैं, काम की चीज नहीं दिखाते हैं। द वायर की स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, डीमोनेटाइजेशन पिछले साल हुआ था नवंबर में, 8 नवंबर को, उससे पहले तीसरा क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का, मतलब एक जो वित्त वर्ष होता है उसकी तीसरी तिमाही,
पहली तिमाही होती है अप्रैल मई और जून की, दूसरी तिमाही होती है जुलाई अगस्त और सितंबर की, यानी कि दूसरी तिमाही का आखिरी महीना सितंबर महीना, और सितंबर महीने के भी आखिरी के 15 दिन 16 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक, उन 15 दिनों के दौरान 3,00,000 करोड़ रुपए अचानक से बैंकों के अंदर आ गए थे एफडीज के तौर पर। एफडी आप सभी लोग कराते होंगे, फिक्स डिपॉजिट, तो अचानक से इतना पैसा 3,00,000 करोड़ का सितंबर महीने में, और उससे आगे मतलब अक्टूबर बीच में एक महीना होता है, उसके बाद नवंबर में नोटबंदी होनी थी। तो शक ये पैदा होता है कि कुछ लोगों को शायद पता था, कुछ लोगों को पता था कि नवंबर में इस तरह का डिसीजन होने वाला है, और उन्होंने अपना सारा पैसा एफडी के तौर पर बैंकों के अंदर डाल दिया। वो रिपोर्ट आप देखिए, मैं आपको फुल स्क्रीन वो रिपोर्ट दिखाऊंगा। द वायर की स्टोरी है, ये लिखा हुआ है, बिफोर डिमोनेटाइजेशन द मिस्ट्री ऑफ 3,00,000 करोड़ रुपीज डिपॉजिट इन जस्ट 15 डेज। ये स्टोरी आप देखिए 2016 9 दिसंबर को ये स्टोरी कवर हुई थी। ये ईशान बख्शी है जिन्होंने ये स्टोरी, और नीतीश सेठी जिन्होंने स्टोरी कवर की थी द वायर की। और इस स्टोरी में आप देखिए, द सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ सेप्टेंबर सॉ रुपीज 3,00,000 करोड़ ऑफ टाइम डिपॉजिट्स समथिंग यूनिक फॉलोड बाई लिक्विडेशन ऑफ रुपीज 1.2 लाख करोड़ ऑफ दीज राइट आफ्टर। मतलब ये 1.2 लाख करोड़ रुपए बाद में निकाले भी गए थे, और भी पैसा था जो निकाला गया था। ये पूरी डिटेल स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पर इसमें ये कहा जा सकता है कि करप्शन खत्म नहीं हुआ है, यानी कुछ करप्ट लोग जिनके पास ये 3,00,000 करोड़ रुपए थे, अलग अलग बहुत सारे लोग हो सकते हैं ये, इन लोगों को जानकारी थी कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, और ये सारा करप्शन का ही पैसा था, इन्होंने बैंकों के अंदर डाला और उसकी एफडी कराई, और फिर बाद में उसको वापस भी निकाला इन्होंने अगले ही महीने। वो एफडीज बहुत सारी बाद में उन एफडीज को तुड़वाया भी गया था। तो आप सोच सकते हैं कि करप्शन के, करप्शन करने वाले लोगों को किस तरह से शय दी जाती है सरकार में, और ये नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त कर रही है। तो ये दो हमने आपको चीजें दिखाई, जिसमें एक फोर्ब्स का ट्वीट जिसमें भारत करप्शन में नंबर वन है, और दूसरी हमने द वायर की स्टोरी आपको दिखाई है जिसमें ये कहा गया कि पिछले साल डिमोनेटाइजेशन से पहले 3,00,000 करोड़ रुपए अचानक से बैंकों में आया था। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि ये बड़ा यूनिक है, मतलब ऐसा कभी भारत के इतिहास में हुआ नहीं है कि 15 दिन के दौरान इतना पैसा अचानक से बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ गया, बैंकों के अंदर आ गया। ये मतलब यूनिक था, ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले। तो मोदी जी ने किसको बताया था डिमोनेटाइजेशन करने वाले हैं वो लोग? उन्हीं लोगों ने जिनको बताया था, उन्हीं लोगों ने अपना सारा ब्लैक मनी व्हाइट कर लिया था। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं ये लोग करप्शन कम करेंगे, जो पहले ही चीजों को लीक करते हैं और फिर बाद में जाकर कहते हैं कि करप्शन खत्म होगा। करप्शन करने वालों का तो आप पहले ही साथ दे रहे हो, और पहले ही बताया देश के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा था। माधव झा लिखते हैं, वेरी गुड ब्रदर, हम उनका जो कमेंट है वो लाइव कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माधव जी। और अगर कोई भी हमारा मित्र सवाल पूछना चाहता है तो इसके ऊपर पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि डिमोनेटाइजेशन तो एक धोखा था, साथ ही जो वादा किया गया डिमोनेटाइजेशन के वक्त पे सरकार की तरफ से कि करप्शन खत्म हो जाएगा, या फिर जिन्होंने काला पैसा कमा रखा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा कमा रखा है, उनका पैसा खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरबीआई की रिपोर्ट थी जो उन्होंने संसद में पेश की है, संसद की कमेटी के सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारा पैसा तकरीबन 99% से ऊपर का पैसा, मतलब 100% से थोड़ा कम और 99 से ज्यादा सारा पैसा वापस आ चुका है आरबीआई के पास, बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंजेस्ट हो चुका है। तो कैसे कह सकते हो आप, जितना पैसा मार्केट के था सारा वापस बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ दिया, आपने देश को फालतू में एवं लाइन में लगा दिया। तो इन इस तरह के मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, किसी और विषय के ऊपर हम फिर से बात करेंगे। शुक्रिया माधव आपका कमेंट करने के लिए, आप हमारे साथ आगे भी इसी तरह से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।